नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो बैंक्स के बारे में जिसमें आपको हर गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि बैंक के ऐसे स्टॉक है जो हमेशा चलने वाले हैं क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। तो बैंक सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है उसके साथ जरूर आपको रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बता दें ये ऐसे स्टॉक है जो हमेशा आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो जब भी गिरावट मिलता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है वो स्टॉक को बाय करने का। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं किन दो स्टॉक जो बैंकिंग स्टॉक है उसमें निवेश करना चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी देखिए 1720 रुपीज इसका करेंट प्राइस है। दोस्तों बता दें ये बहुत ही बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। देखिए 23,000% का रिटर्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन मल्टीपैकर रिटर्न है। अगर बात करें इसके चार्ट का, देखिए चार्ट में बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं उसमें जब मार्केट क्रैश होगा या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जैसा कि देखिए 2008-09 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये 313 रुपये से गिर करके स्टॉक आ गया 58 रुपीज पे, और 58 रुपीज से फिर से ये जर्नी स्टार्ट करता है और 2008 से लेकर के कंटिन्यू 2020 तक ये स्टॉक ग्रो करता है और 58 रुपीज से चला गया 1714 रुपये तक, और 1714 रुपये से गिर करके स्टॉक फिर से आ गया 1187 रुपये तक, और 1187 से फिर से ये स्टॉक अपना हाई बनाया 2000 रुपीज़ का अप्रॉक्स, देखिए 2049 रुपीज़ का हाई बनाया, और फिर ये स्टॉक देखिए 1720 रुपये पे उपलब्ध है। तो इस तरह का जर्नी रहता है कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, कुछ भी होगा, तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर ही जाना है, तो इन सारे स्टॉक में आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए बेफिक्र रहिए और इस सारे स्टॉक को जो दो बैंकिंग स्टॉक आप बता रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। देखिए इसकी बात करें फंडामेंटल एनालिसिस का, मार्केट कैप है 3,41,000 करोड़ का, करेंट प्राइस तो आपने देख लिया 1720 रुपये का, डिविडेंड यील्ड जीरो है। यही एक दिक्कत है बैंकिंग सेक्टर स्टॉक में, आपको डिविडेंड उतना देखने नहीं मिलेगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 6.65 है, इस पर मत जाइए। चार्ट पे आपने देखा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देते हैं ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9%, ये भी काफ़ी बेहतरीन। प्रमोटर्स होल्डिंग 26%। आप देखिए डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या देखना है, ये जो डिफरेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है और कासा रेशियो कितना है, तो इस पैरामीटर पर देखना है। तो इस पैरामीटर्स पे ये दो बैंक जो हमने सेलेक्ट किया है वो सारे बैंकों में काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इन दो बैंकों के साथ निश्चित रूप से जा सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखिए सेल्स 2010 में माथा था 4,600 करोड़ का, जो कि बढ़कर हो गया 32,800 करोड़। 2010 में नेट प्रॉफिट था 1,307 रुपीज़, जो कि बढ़कर के हो गया 9,990 रुपीज़, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में भी जंप, सेल्स में भी जंप, तो हर चीज़ में ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं जो दूसरा बैंक है वो है HDFC बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म में। देखिए 9,000% का रिटर्न, मतलब ये सारे निश्चित रूप से आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे आपको, ये ऐसे बैंक हैं। अब बात करते हैं इसके करेंट प्राइस का, तो 1,502 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है। और बात करें इसके इंट्रेंसिक वैल्यू, तो करेंट प्राइस जो मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू है, EFT से अच्छा रिटर्न दिया है, डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर टिकर टैप पर देख सकते हैं, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया आपको क्या क्या चीज़ें टिकर टैप पर देखनी चाहिए। और बात करें इसका फंडामेंटल एनालिसिस का, स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, HDFC ग्रुप का स्टॉक है। तो और यहाँ पर मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ का है, तो मार्केट कैप काफ़ी हाई है, कंपनी काफ़ी बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। करंट प्राइस 1,502 रुपीज़, जैसा कि आपने देखा ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, 0.43% का डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 26% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 7.2 का है, तो यहाँ डेट टू इक्विटी आपको देखना नहीं है, आपको डिफरेंट रेशियो देखना है। साथ साथ प्रमोटर्स होल्डिंग का भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के कई सारी कंपनियाँ हैं और अच्छे ग्रुप की कंपनियां हैं, तो प्रमोटर्स होल्डिंग 26% काफ़ी इनफ है। ऐसे भी बैंक सेक्टर जो स्टॉक है उसमें आपको ज़्यादातर FIIs के स्टेक देखने मिलेंगे। आपको मुख्य देखना है कि कंपनी का कैपिटल एट रिस्क क्या है, कंपनी किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या सेल्स बढ़ रहा है, क्या कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है या नहीं, तो इन सारे पैरामीटर्स पर आपको ध्यान रखना है बैंक सेक्टर के स्टॉक में। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18 पॉइंट का है,
नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लीजिए, ग्रॉस एनपीए देख लीजिए, नेट एनपीए का सा रेशियो देख लीजिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर चलते हैं। कंपनी का सेल्स 2010 में था 16,000 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 1,28,000 करोड़ का मार्च 21 में। फिर वहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट का 3,000 करोड़ का था यहाँ पर देख लीजिए 2010 में, जो कि बढ़ के हो गया 31,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। देखिए काफ़ी बेहतरीन है। कैश फ्लो की बात करें तो देखिए यहाँ पर मार्च 21 में जो पॉजिटिव कैश फ्लो है 44,000 करोड़ का, ज़्यादातर समय निगेटिव ही रहा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से यहाँ पर कैश फ्लो है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी है ये दोनों कंपनियां। तो इन दोनों कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की ये दो बेहतरीन स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, और इसी तरह के कौन से स्मॉल कैप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं ये भी आने वाले समय में आपको बताऊंगा, तो आप उन स्मॉल कैप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।